हाय हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है भावनास किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गेहूं के आटे की बर्फी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, देसी घी, गुड़, बादाम की कतरन, सौंठ और गंठोड़ा पाउडर और खाने वाला गोंद। सबसे पहले पैन को गरम करने रखेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कटोरी देसी घी। घी मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी। घी गरम हो जाए उसके बाद मैं डालूँगी गेहूँ का आटा। तो ये नॉर्मल आटा है जो हम रोज़ रोटी बनाते हैं। तो मैं सारा मेजरमेंट 250 ग्राम के हिसाब से मैंने लिया है आटे का और घी का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे को सिकने देंगे जब तक कि वो हल्का गुलाबी ना हो जाए। हमें एकदम धीमे आंच पे सेकना है, हाई फ्लेम पे ना सेकें क्योंकि उससे सिक तो जाएगा आटा पर जब बर्फी बनेगी तो वो अंदर से कच्चापन लगेगा खाने में। तो इसलिए आप लो फ्लेम पर ही आटे को सेकें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पर उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर आटा हमारा सिक रहा है, थोड़ा थोड़ा घी रिलीज़ हो रहा है, आप देख सकते हो। इसमें इस बर्फी को विंटर सीज़न में मैं हमेशा बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। छोटे से लेके बड़े तक सभी को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा और घी मैं ऐड कर रही हूँ। आपने सुना ही होगा, हमारी मम्मी लोग बताती है कि विंटर्स में घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है और हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है। तो आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गोंद लिया है, तो गोंद का टेक्सचर कुछ इस तरह से होता है। खाने वाला गोंद है, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है और पाउडर बना लिया उसका। तो गोंद डालने से बर्फी का जो खाने में क्रंची टेस्ट जो आता है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा और घी मैं ऐड करूँगी। लगभग जितना घी हमने लिया है वो पूरा इसमें यूज़ हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बर्फी मेरी मम्मी मुझे बना के देती थी जब मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी क्या होता है कि मैस का खाना अच्छा नहीं लगता, तो ये बर्फी अगर एक दो पीस खा लिए तो पेट अच्छे से भर जाता है। तो अगर आपके भी बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप भी इसे बनाकर उनको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये पाउडर जो मैंने बनाया था गोंद का, वो सारा मैंने डाल दिया है। सौंठ और गंठोड़ा पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। तो सौंठ पाउडर आपने सुना ही होगा कि हमारे शरीर को अंदर से बहुत अच्छा गर्मी प्रदान करता है और हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बर्फी जो है वो कोई भी खा सकता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या किसी को न्यूबॉर्न बेबी हुआ हो तो उनके स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोंद जो है वो फूट रहा है, हल्का हल्का सा क्रंची जैसा लग रहा है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और अब जो गुड़ जो मैंने रखा था वो सारा गुड़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो गुड़ आप गैस को ऑफ़ करके ही ऐड करें, अगर गैस ऑन रहेगा ना तो आपकी बर्फ़ी जो है वो बहुत कड़क बन जाएगी। तो बर्फ़ी को हमें कड़क नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट बनाना है। तो आप गैस को बंद करके ही गुड़ को ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट चलाएंगे तब गुड़ आपका सब सारा अच्छे से पिघल जाएगा। जो घी है थोड़ा सा मैं लास्ट में सारा डाल दे रही हूँ इसमें, अच्छे से
यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रेडी है हमारी बर्फ़ी का ये मिक्सचर। सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है। एक प्लेट में मैंने घी लगा के रखा था और उसी प्लेट में मैं सारा मिक्सचर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इस बर्फ़ी को आप चाहो तो स्टोर करके भी रख सकते हो 15 से 20 दिन तक, ये ख़राब नहीं होती है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी है, जो आप खाओगे तो मन खुश हो जाएगा। ऊपर से मैं बादाम की कतरन से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहो तो काजू और पिस्ते भी डाल सकते हो। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और दबाकर उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। 2-3 मिनट के बाद आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। थोड़ा सा गर्म हो तभी उसके पीसेस कट कर लीजिएगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से कट नहीं हो पाएगा। इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। ये गुजराती स्वीट है, इसको सुखड़ी कहा जाता है और गोर पापड़ी भी कहते हैं गुजराती में। तो ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और स्पेशली विंटर्स में ही ये बनती है। आप चाहो तो इसे 12 महीना बना के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडी है हमारी बर्फ़ी। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।